हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉगिंग। तो दोस्तों आज हम देंगे अपने पूरे गार्डन का ओवरव्यू, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपनी रेलिंग की साइड का दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप राइट हैंड साइड देख सकते हो, हमारा फाइकस ब्लैक बेंजामिन का पौधा है जो कि बाल्टी में लग रहा है। और अगर आप इसके पीछे देखो तो उसके पीछे हमारा स्नेक प्लांट रखा है रेलिंग के पीछे, और आगे फाइकस का पौधा है। और अगर हम इसके साइड में देखें तो ये डेविल बैकबोन का पौधा है जो कि ब्लैक प्लास्टिक के पॉट में लग रहा है। 12 इंच के पॉट है ये, और ये इसका नाम है पेडिल लेंथस। ये भी हमारा ब्लैक पॉट में ही लग रहा है। ये हमारा फाइकस सफारी है जो कि रेलिंग के बाहर की साइड है ब्लैक पॉट में ही, और इसी के पीछे वो है स्नेक प्लांट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको इसे पूरा दिखाऊँ तो ये एक तो फाइकस ब्लैक बेंजामिन इधर की साइड है, तो इधर की साइड फाइकस सफारी है, इधर की साइड स्नेक है तो उधर की साइड भी स्नेक है, और बीच में हमारे डेविल बैकबोन और पेडिल लेंथस है। और अगर हम इसके साइड में देखें ऊपर की साइड, तो हमने ये फुलवाड़ी के 2 पॉट रख रखे हैं जो कि 9x9 इंच के हैं। दोस्तों इसके अंदर बहुत अच्छे फूल आते हैं, वो भी रंग बिरंगे। मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा इसका। और ये कॉलेज का पौधा है जो कि चले गया है। दोस्तों ये हमारी टिकोमा की बेल है, ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं दोस्तों इसके अंदर, जो कि पानी मैंने दिया था तो ये सारी साइड में गिर चुकी है कोने में को, मैं इसे खड़ा कर दूंगा। और ये आप देख रहे हो, ये इस पर पीले फूल जिस पा रहे हैं, इसकी हमारा चौरी चौरा का पौधा है। और इसी के साइड में हमारे कनेर का पौधा है, ये मिनिएचर वेराइटी है। इसके अंदर 2 तरीके के फ्लावर आते हैं, एक वाइट और पिंक। दोस्तों मैंने इन्हें ग्राफ्ट कर रखा है नीचे की साइड से, इसलिए 2 तरीके के फ्लावर आते हैं। दोस्तों हमारा मोगरा है देसी वाला, और ये हमारा जेट्रोपा है। दोस्तों ये हमसे कोई भी मेंटेनेंस नहीं मांगता, और 12 महीने फूल देता है। और ये अल्मांडा की बेल है दोस्तों, इसके अंदर बहुत बड़ा फ्लावर आता है, वो भी महरूम कलर का। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर आपको ऊपर की साइड दिखाऊँ तो ये हमारा रेन लिली का पौधा है, और इसी के साइड में हमारा ये लिलियम का पौधा है, इसे हम एशियाटिक लिली कहते हैं। और इसके अंदर 3 फ्लावर खिल रहे हैं, 1 फ्लावर मुरझा गया है। दोस्तों मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी जो कि ये मिट्टी के गमले से ग्रो बैग में मैंने किया था। दोस्तों ये हमारा विंका है, वाइट सदाबहार का, और ये मैक्सिकन पिटूनिया है। पिंक कलर के फ्लावर आते हैं दोस्तों, जो वाइट कलर का फ्लावर दिख रहा है दोस्तों, इसका मुझे नाम नहीं पता, आप कमेंट में बताना दोस्तों इसका क्या नाम है, मैं भूल गया। और नीचे की साइड आप देखो तो ये हमारे चेरी टमाटर है दोस्तों, इनका टमाटर का साइज चेरी जितना होता है, लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। इसी के साइड में हमारे नारंगी का पौधा है, जो कि जो ये पौधा डाई बैक मार रहा था तो मैंने इसकी कटिंग कर दी, अब देखते हैं कभी ये फूट के आता है। दोस्तों हमारी ये फल की लाइन है, ये एक है पहले वाला, एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये हमारे 5 पौधे रखे हैं सीधे ग्रो बैग, 18x18 इंच के बड़े ग्रो बैग है दोस्तों। यहाँ हमारी दीवार आती है इसलिए मैंने रख रखा है। और ये जामुन का पौधा है जो आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सर्दी में इसने सारे पत्ते गिर दिए थे, अब ये नया ये फूट ही आया है। और ये हमारा वाइट जामुन का पौधा है, वो ब्लैक वाला है तो, और ये वाइट वाला है दोस्तों, ये फूट के आया है, लेकिन दोस्तों जो इसकी नई ग्रोथ निकली है वो काली हो रही है, पता नहीं क्यों। ये हमारा लीची का पौधा है, ये भी इसने सारे पत्ते गिरा दिए, पता नहीं कब फूट के आएगा। इसी के साइड में आप देखो तो हमारा 4th नंबर पे चीकू का पौधा है दोस्तों, इसने फूल दिए हैं, अब पता नहीं वो फल में कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा। पिछले साल तो दोस्तों ये नहीं कर पाया था, अब देखते हैं ये करता है नहीं करता। ये 5th नंबर का जो ग्रो बैग है 18x18 इंच का, ये इसमें हमारा अमरूद है, ये दोस्तों अंदर से पिंक कलर का निकलता है, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है दोस्तों। ये हमारा वाइट अमरूद है जो कि कली दे रहा है। और इसी के साथ आगे हमारे अनार का पौधा है दोस्तों, इसने बहुत सारे फूल दिए लेकिन अपने सारे फूल गिरा दिए, क्योंकि दोस्तों सारे फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते, अब देखते हैं दोस्तों ये कितने फल बनाता है। इसी के साइड में दोस्तों जो खाली ग्रो बैग है, मैं इसे पत्ती से भर रहा हूँ, इसके अंदर भी मैं अनार लगाऊंगा। दोस्तों जो आप ये देख रहे हो इसके अंदर मैंने भिंडी का बीज लगा रखा है, ये जो पौधा निकल चुका है दोस्तों। इसके अंदर नींबू का पौधा था जिसके अंदर दीमक लग गया, और दोस्तों मैं इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, गमले में ही लगा दिया दोबारा से। और दोस्तों इसी के आगे हमारा ये नींबू का पौधा है जो कि नींबू बना चुका है दोस्तों, पहले इस पर कली आई थी फिर फूल खिला था, अब देखो दोस्तों नींबू भी इसके ऊपर बन रहे हैं। दोस्तों मैंने ये सारे सॉरी दोस्तों मैंने ये सारे 2-2 के पेयर में रख रखे हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में 2 पेयर हमारे जामुन के थे, और उसके बाद हमारे लीची चीकू अलग अलग हो गए, लेकिन जो अमरूद के भी 2 पेयर हैं, अनार के भी 2 पेयर हैं, और नींबू के भी। दोस्तों आप ये देख सकते हो हमारी ये सारी लाइन, हमारी ये टमाटर की लाइन है
दोस्तों ये जो टमाटर है मैंने इसके ऊपर से सारे टमाटर हार्वेस्ट कर चुका हूँ दोस्तों। अब आपको कोई टमाटर नहीं दिखेंगे क्योंकि दोस्तों सारे पौधे सर्दियों के पौधे थे, अब आ गई है गर्मी। तो दोस्तों अब ये लास्ट टमाटर जो इसके ऊपर आप देख रहे हो ये लास्ट टमाटर है, और टमाटर ये नहीं देंगे। मैं ये टमाटर जब लाल हो जाएंगे तो मैं इसमें से सारे टमाटर तोड़ लूँगा और गर्मी के नए पौधे इनमें लगा दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे हैं टमाटर, अब भी दे रहे हैं लास्ट मोड़ पे भी ये काफ़ी अच्छे टमाटर दे रहे हैं और लाल भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। ये वाला पौधा देखो दोस्तों, अभी इस पर लाल तो हुए नहीं है, हो जाएंगे लाल जब ये लाल हो जाएंगे और मैं इसमें से हार्वेस्ट कर लूँगा तो ये सारे पौधे मैं हटा दूँगा। अगर दोस्तों मैं आपको उधर की साइड दोबारा ले चलूँ फल की लाइन की साइड, तो दोस्तों उधर की साइड चलते हैं फल की लाइन की साइड। तो आप देख सकते हो कि नीचे की साइड हमारे ये 24x9 इंच का ग्रो बैग आप देख रहे होंगे नीचे की साइड। ये दोस्तों इसकी हाइट खाली 9 इंच है और इसकी चौड़ाई 24 इंच है दोस्तों, बिल्कुल फ्लैट ग्रो बैग रहते हैं। इसके अंदर बड़ी मतलब ज़्यादा ऊंचे पौधे नहीं लगते, जो चौड़ाई में फैलते हैं पौधे वो वाले पौधे लगते हैं। ये हमारा इलायची का पौधा है दोस्तों, ये आगे हमारा एलोवेरा का पौधा, ये भी ज़्यादा ऊँचा नहीं जाता और चौड़ाई में फैलता है। तो दोस्तों इनके लिए 24x9 इंच के ग्रो बैग काफ़ी अच्छे रहते हैं। दोस्तों हमने अपनी धनिया उगा रखी है, इसके अंदर बीज डाल रखे हैं, अभी तो उगा नहीं है, उगेगा तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। इसके अंदर भी मैंने बीज डाल रखे हैं और ये उग चुका है दोस्तों, दो ग्रो बैग में उग चुका है और दो ग्रो बैग में मैंने बीज उगा रखे हैं। अब देखते हैं कब उगते हैं दोस्तों। इनके आगे भी मैं दो ग्रो बैग रख दूंगा और ये फिर दो लाइन पूरी पैटर्न में हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाई चुका हूँ टमाटर के पौधे। इसके आगे हमारे 18x18 इंच का ग्रो बैग है जिसके अंदर मैंने एप्पल बेर का पौधा लगा रखा है दोस्तों। जो 18x18 इंच का ग्रो बैग होता है ये बहुत ज़्यादा भारी ग्रो बैग होता है, तो दोस्तों आप इस ग्रो बैग को हमेशा दीवार के ऊपर ही रखना क्योंकि इसके अंदर लोड ज़्यादा होता है। दोस्तों मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ, ये हमारे फूलों वाला एरिया आ गया कोने की साइड। ये हमारे गुलाब है, जो कि अगर मैं पहला गुलाब बताऊँ तो ये हमारा वाइट कलर का गुलाब देता है और ये वाला हमारा वाइट और ऑफ वाइट मिक्स देता है, और इसके नीचे जो आप देख रहे हो पीला और पिंक, ये भी ये दो मिक्स देता है एक वाला, और ये हमारा डार्क मेहरूम वेलवेट इसका टेक्सचर रहता है ये वाला गुलाब का, और ये 15 दिन तक खिलता है दोस्तों। एक ही फूल इसका 15 दिन तक खिलता है, वो हमारा गुलाब देसी था और ये वाला भी हमारा देसी है। इसके अंदर लाल पिंक वाइट 3 तरीके के फूल खिलते हैं, और जो आप कोने में देख रहे हो वो हमारा नारंगी कलर का गुलाब है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको उधर की साइड लेके चलूँ तो वो हमारी सारा बोनसाई का एरिया मैंने बना रखा है दोस्तों। मुझे बोनसाई बनाना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट है। इसके अंदर दोस्तों बोनसाई बनाने में काफ़ी हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये 1 महीने 2 महीने का खेल नहीं है दोस्तों, ये सालों सालों में बनती है बोनसाई। ये हमारी जेड की बोनसाई है, मैं इसके अंदर एक ऊपर पैड बना रहा हूँ जो कि मैं एक बड़े बरगद की पेड़ की तरह से स्टाइल दूँगा पर, और आप ये वाली देख सकते हो तो ये हमारी रॉक के ऊपर है बोनसाई और ये ऊपर से नीचे की साइड आ रही है दोस्तों। इसे कैस्केड बोनसाई कहते हैं, काफ़ी टाइम लगा इसे बनाने में, अभी दोस्तों पूरी नहीं हुई इसकी वायरिंग रह रही है। ये हमारा फाइकस पांडा का पौधा है दोस्तों, इसका काफ़ी अच्छा देखो नीचे से काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और नीचे आप दोस्तों देख रहे हो ये हमारी कटिंग लग रही है इसी पौधे की बोनसाई की, आप देख सकते हो मैंने कटिंग काटी थी और यही लगा दी और ये दोस्तों ग्रो भी हो गई है, तो हमें एक पौधा फ्री मिल गया दोस्तों। ये कटिंग भी काफ़ी मोटी है तो ये आगे चल के बोनसाई ही बनाऊंगा मैं इसकी। देखो दोस्तों काफ़ी थिक है इसकी ये कटिंग, और दोस्तों आप जो ये डब्बे में देख रहे हो वाइट वाइट से 1 2 3 4 5 ये दोस्तों मैंने इसी की ही कटिंग लगा के फाइकस पांडा की, और ये दोस्तों आप जो देख रहे हो फाइकस ब्लैक वेंजामिन है जो आपने रेलिंग पर देखा था, मैंने इसकी कटिंग लगा रखी और ये ग्रो भी हो गई है। तो अब दोस्तों मैं उधर की साइड लेके चलूं तो ये हमारा ये भी हमारा फाइकस का ही पौधा है जो कि मैंने 12x12 इंच के पॉट प्लास्टिक पॉट में लगा रखा है। ये दोस्तों पता नहीं इस पर क्या आते हैं दाने दाने से पता नहीं, और ये दोस्तों हमारे फाइकस पांडा के पौधे, ये भी मैंने 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगा रखे हैं जिससे इनका जो तना है वो मोटा हो जाए दोस्तों। पहले बोनसाई बनाने के लिए बड़े पॉट में ही लगाने पड़ते हैं, फिर बाद में वो चेंज होते हैं जब वो उनका थिक तना हो जाता है दोस्तों। देख सकते हो फाइकस पांडा का पौधा, और ये अगर मैं आपको अपनी हथेली पे रख के दिखाऊं ये काफ़ी छोटी ट्रे है बोनसाई के लिए, और इसके अंदर देखो दोस्तों फाइकस पांडा का पौधा कितना अच्छा स्ट्रक्चर दे रहा है, गमले से बाहर निकल के ऊपर को उठाए ऐसा लग रहा है दोस्तों हवा चलते ये नीचे गिर गया और फिर नहीं ग्रोथ ऊपर करी। हमारी जेड की बोनसाई, इसके अंदर मैंने 3 पैड इधर दिया, 3 पैड इधर दिया, ऊपर 1 पैड दिया है, और ये वाली देख सकते हो तो ये हमारे हार्ट शेप सेरेमिक पॉट है, और इसके अंदर भी मैंने अलग अलग पैड बना रखे हैं। ये भी दोस्तों इसी की तरह सेम एज इट इज़ है, बस पैड में थोड़ा अंतर है, काफ़ी इनका थिक तना है दोस्तों। ये हमारे मेरे पुराने पौधे हैं,
और ये नीचे देख सकते हो तो ये हमारा पिलखन का पौधा है जिसे हम फाइकस वेरिन बोलते हैं। दोस्तों मैं इसको ऐसी शेप दे रहा हूँ जो कि हवा चली और इस साइड को गिर गया। ये हमारा हार सिंगार का पौधा है जिसे मैं बोनसाई बना रहा हूँ। ये इसे पारिजात भी बोलते हैं, काफ़ी इसका थिक तना है। अगर मैं वापस आपको आगे की साइड इधर की साइड ले के चलूँ तो ये हमारी फाइकस पांडा का पौधा है जिसे मैंने कटिंग से तैयार किया था। और दोस्तों ये बारिश में इसने अपनी एरियल रूट्स निकाली है, काफ़ी अच्छी इसकी रूट्स निकली है दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये हमारा इमली का पौधा है, ये भी बोनसाई के लिए रेडी हो रहा है। इसी के साइड में हमारा जेड प्लांट है जिसके अंदर मैंने 4-5 पौधे लगा के ऊपर पैड बनाया है। और ये हमारी कटिंग है जेड प्लांट की, और इसी के ऊपर हमारे ये दीवार पे रखा है नीम की बोनसाई है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इसका स्ट्रक्चर है, और देखो गाइस कितनी ज़्यादा ये शैलो ट्रे है। और आपको इधर दिखाऊं तो ये सारे हमारे ब्लैक पॉट हैं, 9x9 के हैं, 6x6 के, अलग अलग साइज है इनका। ये बोनसाई के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों। और नीचे आपको दिखाऊं तो ये हमारी फाइकस पांडा की फॉरेस्ट बोनसाई मैंने बना रखी है दोस्तों। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो ये चैनल पे मैं डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। अभी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि इसके काफ़ी थिन हैं इसके जो ये ब्रांचेस हैं, जब मोटे हो जाएंगे काफ़ी आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। ये हमारे इमली के पौधे हैं, इनकी मैं फॉरेस्ट बोनसाई बनाऊंगा दोस्तों। ये हमारी जेड टोपी आ रही है, इसके अंदर कोई बैठा है, ये शायद आप ही बैठे हो जो हमारी वीडियो देख रहे हो दोस्तों। बताना कमेंट में आपको मेरी ये बोनसाई कलेक्शन कैसा लगा। ये भी हमारा पिलखन का पौधा है फाइकस वेरिन, काफ़ी इसका दोस्तों थिक तना है, आप पेरे अंगूठे के हिसाब से देख सकते हो, काफ़ी अंगूठा उंगली के पास तक आ गया है, आप अनुमान लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा पौधा है ये भी दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे इसकी जड़ ऊपर से नीचे को आई है। और दोस्तों अगर मैं आपको इसे साइड में दिखाऊं तो काफ़ी लंबाई आगे तक जा रहा है। तो दोस्तों बोनसाई के लिए अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो दोस्तों, अगर कोई पौधा छोटे पॉट में हो और वो बड़े पेड़ का एहसास दिलाए तो दोस्तों वो ही बोनसाई कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इधर की साइड ले आया अपने गुड़हल की साइड वापस ही ऊपर की साइड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह हमारा मैक्सिकन पिटूनिया लग रहा है एक ग्रो बैग में, दूसरा ग्रो बैग में कनेर लग रहा है जो कि व्हाइट और पिंक फूल दोनों देता है। ये दो पौधे लग रहे हैं दोस्तों, काफ़ी देखो इसका बंच गुच्छा कितना अच्छा लग रहा है। ये देसी कनेर है। नीचे की साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारे 9 ग्रो बैग है जो कि 12x12 के ग्रो बैग है, इसके अंदर गुड़हल लग रहा है दोस्तों। ये सारे गुड़हल हमारी देसी वैरायटी है, अलग अलग फूल देते हैं दोस्तों। अगर अभी हमारे यहाँ गर्मी स्टार्ट हुई है तो अभी ये फूल देने स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इनकी राज की बात बताऊँ तो दोस्तों एक दिन में ये 30 से 40 फूल हमें दे देते हैं, और वो भी एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ डेली हमें 30 से 40 फूल दे देते हैं दोस्तों। अब जब ये फूल देंगे तो मैं आपको इनका अपडेट ज़रूर दूंगा। ये तो हमारे अभी स्टार्ट, ये समझो कि ये तो बस ऐसे ही स्टार्ट हुए हैं, आगे चल के दोस्तों मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जब इसके ज़्यादा क्वांटिटी में फूल खिलेंगे दोस्तों। देसी वैरायटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है गुड़हल की, हाइब्रिड में दोस्तों ज़्यादा केयर मांगती है वो हाइब्रिड गुड़हल, और उसके अंदर ज़्यादा फूल भी नहीं आते। और ये हमारे मिर्ची गुड़हल है कोने में जो आप देख रहे हो, काफ़ी इसका थिक तना हो रहा है। ये दोस्तों सारे ही गुड़हल हैं। और अगर मैं आपको इधर की साइड दिखाऊं तो इधर की साइड हमारी ये दीवार आती है, इसमें भी मैंने 18x18 के ग्रो बैग लगा रखे। उधर की साइड देखो तो वो हमारे फल की लाइन आ रही है, और जो पिलर खड़ा है इसके बीच में मैंने डिस्टेंस दिया है आने जाने का, और फिर इसको पिलर के बाद फिर मैंने 18x18 के ग्रो बैग ये सारे मैंने स्टार्ट करे हैं। ये सारे बेल के पौधे हैं दोस्तों, इसमें ये ऊपर की साइड चढ़ते हैं, मैंने ऊपर ये जाल लगा रखा है, आपको दिखा होगा विजिबल हो रहा होगा, जो कि घूमता हुआ हमारे कनेर के पास तक आ रहा है। और दोस्तों अगर मैं आपको नीचे की साइड ये दिखाऊं कोने में तो हमारी ये अंगूर की बेल लग रही है, और इसी के अंदर मैंने ये होलियोक का पौधा लगा दिया, सीजनल पौधा है, जब ये हट जाए जब इसका सीजन चले जाएगा तो मैं इसे हटा दूंगा। देखो दोस्तों ये हमारी रस्सी के सहारे ऊपर जा रही है, फिर ये जाल पर फैल जाएगी, देखो दोस्तों ये इसी जाल पर फैलेगी। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो इस ग्रो बैग में हमारी सेम की बेल, लौकी की बेल और करेले की बेल, ये तीन हो गई, लेकिन दोस्तों आपको 18x18 के ग्रो बैग में एक या दो, मैक्सिमम दो से ज़्यादा बिल्कुल बेल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये तीन भी शायद गलती से लग गए या उग गया ये एक, क्योंकि मैंने तो इसके अंदर दो ही डाले थे। अगर मैं आपको तीसरा दिखाऊँ तो हमारा घी की बेल है लौकी की, ये हमारी लंबी घिया देगी, गोल वाला नहीं है दोस्तों, ये भी हमारी इस जाल के ऊपर चढ़ जाएगी। और अगर इसे दिखाऊं तो ये हमारा चेरी टमाटर का पौधा है दोस्तों, मैंने यहाँ बेल के ही बीज लगाया था लेकिन वो उगा नहीं, और ये चेरी टमाटर का पौधा मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैंने इसी में ये लगा दिया।
दोस्तों आप देख सकते हो चेरी टमाटर छोटे छोटे साइज में होते हैं, चेरी जितने, लेकिन दोस्तों इसके अंदर टमाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। सॉरी दोस्तों, अगर मैं आपको कोने की साइड दिखाऊँ, ये कोने वाला जो ग्रो बैग आप देख रहे होंगे, देख सकते हो इसके अंदर अभी अभी ये बीज उगा है हमारा, ये तोरी का बीज है, ये भी हमारा जाल के ऊपर चले जाएगा। दोस्तों छोटे से बीज से हमारी कितनी बड़ी बेल उग जाती है, हो जाती है और हमें कितनी अच्छी है सब्जी देती है। दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लगती है ऑर्गेनिक सब्जी उगाना। आगे की साइड दिखाऊं तो दोस्तों हमारा बैंगन की लाइन है, पहले जो आगे गया है वो हमारा पर्पल वाला है, ग्रीन वाला, और ये भी ग्रीन वाला है, ये हमारा ग्रीन है और ये भी हमारा ग्रीन है, और इसके आगे दिखाऊं तो ये वाला हमारा पर्पल है सबसे आगे वाला। अगर दोस्तों मैं आपको इनको पास में ले जाके दिखाऊं तो बैंगन के ऊपर आ रहे हैं, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में दोस्तों दिखा रखी है, मैंने हार्वेस्टिंग करके काफ़ी इसके ऊपर बैंगन आते हैं, वो वाले बैंगन अभी हमारे छोटे हैं, जब बड़े होंगे वो देंगे। ये हमारा ग्रीन बैंगन है, लॉन्ग वाला दिख रहा होगा आपको, देखो दोस्तों वहाँ पर भी एक छोटा सा है। ये सारी हमारी बैंगन की लाइन है दोस्तों। अगर मैं आपको ये ऊपर की साइड दिखाऊं तो हमारी पहले तो बेल तो ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है, बेल तो हमारे ऊपर चढ़ गई, और अगर हाँ देखो दोस्तों बेल तो हमारे ऊपर चढ़ गई, और फिर दूसरी लाइन में हमारे पेड़ बन गए, और फिर उससे नीचे दिखाऊं तो बिल्कुल ज़मीन से टच ही हमारे पुदीने के चार ग्रो बैग मैंने लगा रखे हैं। दोस्तों पुदीना बहुत अच्छा लगता है, आप सब्जी रोटी के साथ पुदीने की चटनी खाना दोस्तों, काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी मज़ा आता है पुदीना उगाने में और उसे खाने में। चार ग्रो बैग मैंने लगा रखे हैं, इसी के साइड में दो ग्रो बैग है, एक में मैंने अजवाइन लगा रखा है और एक हमारा खाली ग्रो बैग है। दोस्तों मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसके अंदर मैं क्या उगाऊं, तो दोस्तों आप कमेंट में बताना मैं इसके अंदर मैं क्या उगाऊं। ये हमारे इधर का पोर्शन बिल्कुल कम्प्लीट हो गया, आप देख सकते हो। दोस्तों आप कमेंट में बताना ये अरेंजमेंट कैसी लगी आपको। आगे की साइड में दिखाऊँ तो हमारी दीवार आती है पूरी, इधर हमारा एप्पल बेर का पौधा था, इधर से हमारे उधर कोने तक दीवार आती है, देखो ये हमारा एप्पल बेर का पौधा है, पूरी दीवार आती है हमारी उस कोने तक। ये हमारे तीन ग्रो बैग लग रहे हैं 18x18 के, और इधर की साइड में हमारे तीन लग रहे हैं 18x18 के। जो आप बैम्बू वाले देख रहे हो दोस्तों, ये हमारे गर्मी के टमाटर हैं, सर्दी वाले दोस्तों मैं हटा चुका हूँ क्योंकि अब वो टमाटर नहीं देंगे, उन्होंने सर्दियों में सारे टमाटर हम खा चुके हैं तोड़ के। आप देख सकते हो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे टमाटर हो रहे हैं एक ग्रो बैग में। दोस्तों आप 18x18 के ग्रो बैग में 3 से 4 पौधे लगा सकते हो, 4 से ज़्यादा बिल्कुल मत लगाना दोस्तों, उससे भीड़ होएगी और ज़्यादा टमाटर बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। जितने कम टमाटर होंगे उतनी ज़्यादा हम जितने कम पौधे होंगे उतने ज़्यादा आपको टमाटर मिलेंगे। आप इधर की साइड देख सकते हो, ये हमारे सर्दियों के टमाटर हैं इन तीन ग्रो बैग में, जो कि हमें अब टमाटर लास्ट मोड़ पर भी दे रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे लाल लाल अंदर दुपक रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखो ये दोस्तों टमाटर काफ़ी लाल हो गया, अभी इन्हें तोड़ना पड़ेगा वरना हमारी छत पे गिलहरी इन्हें खा जाती है। अब मैं आपको कोने में दिखाऊं तो दोस्तों इधर टमाटर नहीं लगाना था, उस वाले कोने पे मैंने एप्पल बेर का पौधा लगा रखा है और इधर की साइड में ये बेल का जाल बना रखा है। इधर की साइड में इस टमाटर के पौधे को हटा कर बेल ही लगाऊँगा कोने पर, जिससे कि ऊपर जाल पर चढ़ जाए। यह हमारा ग्रीन नेट वाला एरिया है, छायेदार पौधे रहते हैं इसके अंदर, शैमी शेड पौधे, ऊपर मैंने 4 टोकरी लगा रखी है, मैं आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। हम शाम को रोज़ डेली यहीं आकर चाय पीते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चलती है दोस्तों। ये हमारे टमाटर का बैक व्यू है नहीं दोस्तों, इधर देखो ये हमारे एरिका पाम के पौधे हैं, ये मैंने 5 पौधे लगा रखे हैं। ये वाला हमारा प्लास्टिक के में है जो कि अभी छोटा है, इधर मैंने 2 सीमेंट के में लगा रखे हैं, थोड़े बड़े हैं, और ये वाला जो अब मैं आपको आगे की साइड दिखा रहा हूँ ये हमारा मैच्योर पौधा है, जो कि मैंने ग्रो बैग में लगा रखा है, काफ़ी अच्छा है, और कोने में वो भी प्लास्टिक के में लगा रखा है जो कि छोटा है। दोस्तों आपको इनके पत्ते थोड़े जले जले से दिख रहे होंगे क्योंकि पहले यहाँ ग्रीन नेट नहीं थी। ये हमारा खरोटन का पौधा है, ये मैंने गुलदावरी यहाँ रख रखी है, पहले ये बाहर रखी थी क्योंकि अब गर्मी आ गई ये झुलस जाएगी, इसलिए मैंने शेड में रख दी, अब जब सर्दी आएगी तो मैं बाहर रख दूँगा फिर ये फ्लावर देगी। दोस्तों ये हमारा डेफनबैकिया का पौधा है जो कि मैंने अपने बड़े पौधे से निकाल के दूसरा पौधा बनाया है, या ये भी मैंने अपने बड़े पौधे से दूसरा पौधा बनाया है, ये 2 पौधे मैंने अपने बड़े पौधे से ही बनाए हैं। दोस्तों आप ये नीचे देख सकते हो, ये हमारा स्नेक प्लांट है, सेंसिटिव एरिया स्नेक प्लांट, और ये जो आप ये देख रहे हो ये हमारा, इसका नाम मुझे नहीं पता, कमेंट में बताना है, पता नहीं क्या नाम है इसका, इस वाले पौधे का, ये ब्लैक पॉट में जो है स्नेक प्लांट के साइड में।
और दोस्तों कोने में तो आपको दिखाई दिया हुआ एरिका पाम है, जो आपको ग्रो बैग में जो आप ये देख रहे हो दोस्तों, इसका नाम ड्रेसिना महात्मा है। दोस्तों आप कमेंट में बताना कि इसका नाम सही में ही ड्रेसिना महात्मा है या मैं गलत बोल रहा हूँ। काफ़ी अजीब सा नाम है ड्रेसिना महात्मा। और इसके साइड में ये हमारा रबड़ का प्लांट है, इसी के साइड में मैंने स्नेक प्लांट रख रखा है, ये पहला है, ये हमारा दूसरा स्नेक प्लांट है। रबड़ का प्लांट दोस्तों काफ़ी शाइन कर रही है इसकी लीव्स, ये काफ़ी खुश है पौधा। और ये हमारी मनी प्लांट है दोस्तों, ये मैंने अभी अपने एक दो महीने पहले ही ये सारी मनी प्लांट इस जाल पे से उतार के काफ़ी ऊंची दूसरी मोस्टिक पे चढ़ाई है। मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा जब ये पूरी भर जाएगी। और दोस्तों ये हमारा टेबल पाम का पौधा है, और आपको इसकी भी लीव्स थोड़ी जली जली दिख रही होगी, इसलिए जल रही है क्योंकि पहले यहाँ ग्रीन लाइट नहीं थी। अभी दोस्तों ये जब जल रही है ये पुराने पत्तों के झड़ जाएंगे और नए पत्ते आके अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों ये हमारा ऊपर टंग रहे छोटे छोटे पोट में प्लास्टिक के, जो आप कोने में देख रहे हो ये बड़े पत्तों वाली मनी प्लांट है, बिग लीफ मनी प्लांट है, काफ़ी अच्छी लगती है ये भी। और इसके साइड में हमारे मोस्टिक में सिंगोनियम का पौधा है, जो कि स्टिक पे चढ़ के काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये इसका नाम मैं शायद भूल गया, आप कमेंट में बताना, पता नहीं क्या नाम है इसका, भूल गया। वही होता है ना, दिल में है लेकिन ज़ुबान पर नहीं आ रहा, वही बात होगी, मैं दिल में तो है लेकिन ज़ुबान पर नहीं आ रहा नाम, आप कमेंट में बताना दोस्तों। ये हमारा डेफिन वेके का पौधा है दोस्तों, अगर मैं इसके साइड में दिखाऊं तो ये हमारा मदर प्लांट था जो कि गल गया है, इसी के साइड में हमारा ये पौधा निकला है। अगर मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊं तो दोस्तों इसी पौधे से मैंने ये दो पौधे बनाए हैं डेफिन वेके के। और इसी के साइड में ये हमारा एग्लोनेमा है, जो कि बारिश के मौसम में इसके भी ये गल गए थे ज़्यादा पानी की वजह से। और ये हमारा मॉन्स्टेरा का पौधा है दोस्तों, ये पौधा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों जो इसकी लीफ में जो ये कट आता है, जो ये वेरिएशन आता है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एकदम यूनिक पौधा लगता है इसकी उसमें। और ये हमारा दोस्तों, इसका भी मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, ये बरगद की तरह होता है, शेड वाले एरिया में ही रहता है। ये हमारा बेबी डॉल का पौधा है जो कि धूप में झुलस गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर धूप आती है, ग्रीन नेट तो ऊपर है छत पर, और ये सामने से फ्रंट पे जो धूप आती है इस वाले पौधे पर बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट लगती है, इसलिए इसके पौधे जल गए। ये हमारा लेडी पाम है, और इसके साइड में हमारी पाम की बेल थी, जो कि दोस्तों ये शायद मर गई है क्योंकि मैं इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, मेरे 12th के एग्ज़ाम थे बोर्ड के, और इसके अंदर शायद पानी कम हो गया या ज़्यादा हो गया, इस वजह से ये मर गए। ये हमारे डेंटस के पौधे हैं जो कि मैंने शेड में रख लिए हैं, सर्दी के मौसम में मैं इसे बाहर निकाल के रख लूँगा। यह हमारा पर्पल हार्ट का पौधा है, और ये हमारा सिंगोनियम का पौधा है, इसी के साइड में इसका भी मैं नाम भूल गया हूँ। और ये साइड में हमारा स्नेक प्लांट है जो कि ब्राउन पॉट में है, और ये हमारा स्पाइडर प्लांट है जो कि बेबी प्लांट निकाल रहा है, आप नीचे देख सकते हो ये बेबी प्लांट निकाल रहा है सॉरी। और दोस्तों अगर मैं इसके साइड में लेके चलूँ तो हमारा पीस लिली का पौधा है, जो कि वाइट फ्लावर प्रोड्यूस करता है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है शेड वाले पौधे अगर फ्लावर दें। और दोस्तों इस पर तो देखो फ्लावर आ भी रहे हैं, वो भी डार्क रेड कलर का, काफ़ी अच्छा लगता है ये पौधा, बस थोड़े इसके पत्ते जल रहे हैं धूप की वजह से, वरना तो दोस्तों फ्लावर देता ही रहता है। दोस्तों हमारा शेड वाला एरिया कंप्लीट हो गया है, मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा ये व्यू दे रहा है, और अगर मैं आपको बाहर लेके चलूं तो आपको, आप सीधे देखो इस ग्रो बैग से आप आगे की साइड, पूरा आगे की साइड देखोगे तो एंड तक हमारे मिर्च के ही पौधे लग रहे हैं। यहाँ हम हरी मिर्च के पौधे उगाते हैं ब्लैक टब में। दोस्तों हमारे यहाँ ब्लैक टब था लेकिन वो टूट गया, तो मैंने ग्रो बैग रख रखा है। वैसे दोस्तों मैं इसे हटा के मैं मिर्च का ही पौधा लगाऊंगा, और आप इसमें देख रहे हो जिसमें ये बोटल रखी है, ये टमाटर का पौधा है, इसमें भी मैं मिर्च का ही पौधा लगाऊंगा। ये दोनों हमारे मिर्च के ही है लेकिन इसमें बस ये लग ही गए। ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर सेमोल लौकी की बेल है दोस्तों, यहाँ पर भी हमारी दीवार आती है, तो इसलिए मैंने 18x18 का ग्रो बैग रख रखा है जो कि हमारा जाल के ऊपर चले जाएंगी ये बेल। आपको जूम करके दिखाऊं तो ये हमारी लौकी की बेल सेम को पकड़ती हुई ऊपर जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको, और दोस्तों देखो काफ़ी अच्छी हो रही है, यहाँ से ऊपर की साइड ये चले जाएगी इस जाल के ऊपर, और इसी के साइड में ही हमारे टब में मिर्च की प्योद लग रही है। देखो
काफी छोटी छोटी अभी है, जो बड़ी हो जाएगी दोस्तों। ये देखो ये भी बीच में आ गया, 18x28 का ग्रो बैग। यहाँ पर भी हमारी दीवार आती है, इसलिए मैंने एक ग्रो बैग रख रखा है और डंडी लगा रखी है, रस्सी इस पर बांध रखी है, जिससे कि बेल इसके ऊपर चढ़ जाए। ये हमारी तोरी की बेल है जो कि उग गई है और इसके ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसके साइड में हमारे मिर्च का पौधा है, जो कि हमारा पिछले सीज़न का ये पौधा है मिर्च का, और इसने इस बार भी काफ़ी अच्छी हमें मिर्च दे रहा है। आप देख सकते हो कैमरे में इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी जितनी इसके अंदर है, अंदर काफ़ी दुबकी रहती है दोस्तों। जो हमारी मार्केट की मिर्च और घर की मिर्च है, इसके अंदर बहुत अंतर रहता है। घर की मिर्च दोस्तों इतनी चटपटी होती है, आपसे दो से ज़्यादा मिर्च बिल्कुल नहीं खाई जाएगी। और ये खाली था, इसके अंदर मिट्टी भरने भी रह रही है। इस ग्रो बैग में हमारा सहजन का पौधा है, जो कि दोस्तों मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि गर्मी के मौसम में मिर्च के पौधे झुलस जाते हैं, और ये पौधा दोस्तों नीचे से सिंगल ब्रांच लेता हुआ ऊपर, बिल्कुल मैं इसे कटिंग कर दूं ऊपर से भर जाएगा, और दोस्तों ये शेड का काम करेगा मिर्च के पौधों के ऊपर, काफ़ी सही रहेगा। ये ऊपर की साइड हमारा अगेव का पौधा है दोस्तों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, ये दोस्तों लगाना नहीं चाहिए लेकिन मैंने लगा रखा है, क्योंकि अगर इसके कांटे आँख में या हाथ में लग जाए तो दोस्तों खून निकाल देते हैं हाथ में से, तो बिल्कुल ही आँख भी फूट सकती है। और दोस्तों ये हमारे खाली टब है, इसके अंदर ये छोटा सा पौधा है, मिर्च का प्योद लग रही है। और अगर आप इस टब में देखो पीछे की साइड या आगे की साइड, तो ये मिर्च है, ये मिर्च का ही पौधा है, लेकिन पीछे की साइड ये टमाटर उग गया। अब ये खुद ही उगा है, और दोस्तों जब ये टमाटर खुद उगा है, भगवान जी ने खुद ही हमें ये टमाटर का पौधा दिया है, तो मैं इसे क्यों हटाऊं। और आप देख सकते हो इस पे टमाटर भी आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कैक्टस का पौधा है, लेकिन दोस्तों इसकी वेराइटी का मुझे नाम नहीं पता, आप कमेंट में बताना दोस्तों इसका क्या नाम है। और इसके साइड में आप देखो तो कोने में मैंने नीम का पौधा लगा रखा है, कोने में मैंने नीम का पौधा इसलिए लगा रखा है क्योंकि दोस्तों कोने में बिल्कुल धूप नहीं आती है, पौधे सारी धूप अपने ऊपर ले लेते हैं, यहाँ छाया रहती है, तो नीम का पौधा नीचे से ऊपर तक जाएगा और ऊपर से दोस्तों ये धूप ले लेगा, तो इसलिए मैंने नीम का पौधा कोने में इसलिए लगा रखा है। ये काफ़ी ऊँचा है नीम का पौधा, आप देख सकते हो काफ़ी हाइट इसने ले रखी है नीम के पौधे ने। और ऊपर की साइड मैंने कोने में कोलियस लगा रखा है, और दो अपनी यही फुलवाड़ी लगा रखी है जो कि अलग अलग फ्लावर देती है दोस्तों। अभी गर्मी शुरू हुई है तो इसकी कली बननी स्टार्ट हुई है, मैं इसका अपडेट ज़रूर दूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास हर कलर की फुलवाड़ी है दोस्तों। आप इस वाली रेलिंग पर देखो और उस वाली रेलिंग पर देखो, मैं वहाँ से आपको स्टार्ट किया था, अब इस वाली रेलिंग पर आ गया पूरा गोल घूम के दोस्तों। यह हमने अपनी रेलिंग पर दो बोगनविलिया लगा रखे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अगर मैं आपको राइट साइड की दिखाऊं तो दोस्तों आपको इसके ऊपर फ्लावर दिख रहे होंगे दोस्तों। आप हमेशा आपकी शिकायत रहती है कि आपकी बोगनविलिया पे फूल बिल्कुल नहीं आते, अगर आते हैं तो झड़ जाते हैं, और अगर आते भी है तो उनमें डार्कपन नहीं रहता दोस्तों। आप इस वेराइटी को देख सकते हो, इसकी लीफ की वेरिएशन को देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी इसकी लीव्स का वेरिएशन है। आप नर्सरी से यही वाली बोगनविलिया लाना दोस्तों, आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल भी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती है। आप इसकी लीव्स का वेरिएशन देख लो, ये वाली बोगनविलिया दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसके अंदर पिंक वाइट दो तरीके के फ्लावर आते हैं, वो भी बड़े साइज़ में, और हवा चलने पर ये झड़ते भी नहीं है दोस्तों। काफ़ी अच्छी बात तो ये है कि झड़ते नहीं है हवा चलने पर, ये काफ़ी लंबे समय तक टिके रहते हैं। और नीचे की साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारी फुलवाड़ी के पौधे हैं, जो कि मैंने 6x6 के साइज़ 6x6 के पोर्ट साइज़ में लगा रखे हैं ये फुलवाड़ी के, जो कि रेलिंग से बाहर निकलते हैं। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि गुलदस्ता लटक रहा हो, क्योंकि जब इन पर फूल आते हैं काफ़ी अच्छी लगती है। उस साइड हमारी मोर पंक्ति थी और इस साइड भी हमारी मोर पंक्ति है, जिसके ऊपर बीज आ रहा है दोस्तों। ये बीज दवाई में बहुत काम आता है मोर पंक्ति का। इधर की साइड दिखाऊँ ग्रो बैग में हमारी बोगनविलिया रेलिंग से बाहर निकल रही है, इसके ऊपर भी पिंक वाइट दोनों आते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी पिंक वाइट में बहुत अच्छा वेरिएशन होता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे कि ये आर्टिफिशियल फूल हो, लेकिन दोस्तों मुझे काफ़ी दोनों वेराइटी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी वेराइटी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी वेरिएशन वाली, ये वाली। और नीचे की साइड अगर मैं दिखाऊँ तो ये हमारी क्यारी बन रही है, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं आपको इसे समझाने लगा। और कोने में अगर देख सकते हो ये हमारी मधुमालती की बेल लग रही है, जो कि ऊपर आ रही है,
और हमने ये बैम्बू लगा रखा है अपनी रेलिंग पर, इसी के सहारे मैंने इसे ऊपर चढ़ा रखा है और ऊपर से मैंने अपनी गुमटी पे ले रखा है। दोस्तों मैंने अपनी छत का एंट्रेंस गेट बना रखा है इस बेल से, काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों जब हम यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब इसके ऊपर फूल आते हैं काफ़ी गुच्छे में इस पर फूल आते हैं, इस पर रेड पिंक व्हाइट तीन तरीके के एक साथ गुच्छे में फूल आते हैं जो कि रंग बदलते हैं दोस्तों। ये अलग अलग फूल नहीं होते, एक ही फूल होता है जो कि रंग बदलता है व्हाइट पिंक और रेड। दोस्तों ये हमारा चांदनी का पौधा है, इसी के साइड में हमारा होलियो का पौधा है जो कि पिंक कलर के फ्लावर देता है, और इसी के साइड में मैंने कुछ कटिंग लगा रखी है स्नेक प्लांट पर्पल हार्ट इस टाइप के, और ये सारे हमारे खाली ग्रो बैग है। और इसी के ऊपर मैं दिखाऊँ तो हमारा सुख शांति का पौधा है दोस्तों। ये पौधा काफ़ी अच्छा पौधा है और आप अगर इसको देखो तो आपका भी थोड़ा उजड़ा उजड़ा सा लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर अभी वो बन रहा है बीज, और जब बीज बनता है दोस्तों अपनी सारी लीव्स ये पीली या गिरा पीली होकर गिरा देता है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, वरना दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पौधा है। और अगर मैं आपको पूरा टेरिस दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप ये अमरूद के साइड में जो मैंने दिखाया था 18 इंच का साइज़ जो अमरूद के साइड में हमारा करी पत्ता है, देखो दोस्तों ये हमारा 15 इंच के ग्रो बैग है करी पत्ता, और ये भी हमारा 15 इंच का ग्रो बैग है, दूसरा करी पत्ते का पौधा है। ये हमारे फल के दूसरी लाइन है इधर की साइड आके, और ये हमारा पत्थर चट्टा का पौधा है जो कि पथरी में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसी के साइड में मैंने ग्रो बैग रख रखा है। आप दोस्तों सोचोगे फल के साइड में कौन सी दीवार आती है, मतलब दीवार के साइड में दीवार, तो दोस्तों ये हाँ ये बात सही है, यहाँ पे दीवार है। अगर मैं आपको आगे की साइड दिखाऊं तो ये फल की लाइन आगे की साइड जा रही है, और अगर घुमा के दिखाऊं तो ये ग्रो बैग है, और इसी के साइड में अगर मैं कैमरा घुमाऊं तो देखो खाली है खाली है खाली है, और इसी के साइड में कोने में दीवार पे पूरा बेल का पौधा। तो दोस्तों ये दीवार ऐसे इधर की साइड इस दीवार से टच होती हुई आ रही है, इस दीवार तक आके टच हुई है, तो दोस्तों वहाँ पे इसलिए मैंने बेल वाला पौधा रख रखा है, और इधर की साइड भी मैंने ये इसलिए 18 इंच का ग्रो बैग रख रखा है दीवार की वजह से, और बीच में मैंने ये सीडलिंग ट्रेल रख रखी है इसके ऊपर, इसके अंदर मैंने प्योद बीज डाल रखा है अपना पपोटन का हरी मिर्च का। और इधर की साइड में दिखाऊँ तो हमारा सहतूत का पौधा है, यहाँ पर भी दोस्तों दीवार आती है। ये नींबू का पौधा है, अभी मैंने आपको दिखाया था इस पर नींबू आ रहे हैं। ये सहतूत का पौधा ही मैं इसलिए रख रखा है यहाँ पे दीवार आती है, क्योंकि दोस्तों उधर की साइड देखो हमारी सेम और लौकी की बेल है, और उधर से ही चलती हुई दीवार इस वाली दीवार से टच हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ सहतूत और वहाँ सेम की बेल के 18 इंच का ग्रो बैग रख रखा है। ऊपर की साइड दिखाऊँ तो दोस्तों हमारी टोकरी है जो कि मैं आपको इनका नाम बताना भूल गया, सबसे पहले हमारी स्वीट पोटैटो का पौधा है, उसी के साइड में हमारा रोहियो का पौधा है जो कि वेरीगेटेड है, और तीसरी टोकरी में हमारा वॉन्डरिंग जीव का पौधा है, और चौथी में हमारा रोहियो का है जो कि देसी वैरायटी है। दोस्तों हमारी चार टोकरी है हैंगिंग वाली। आपको दोस्तों हमारे टेरिस गार्डन कैसे लगा कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना, ये हमारा टेरिस गार्डन कैसे लगा, और कोई सजेशन हो ज़रूर बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।